हेलो एवरीवन, तो गाइस वेलकम टू यू ऑन जेनेटिव फिजिक्स चैनल। गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंशन एप्लीकेशन का पार्ट वन, जिसमें हम लोग सीखेंगे जब कोई मंकी एक रोप पे ऊपर या नीचे किसी एक्सेलरेशन से चल रहा हो या किसी वेलोसिटी से चल रहा हो, आज उसको स्टडी करने वाले हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल की एप्लीकेशन देख ली थी, वन ऑफ दैट एप्लीकेशन, जिसमें कि हम लोगों ने एलिवेटर को ऊपर मूव कराया था और एक बार नीचे मूव कराया था और एक बार नीचे ग्रेविटेशन से मूव कराया था, किसी जी एक्सेलरेशन से मूव कराया था। तो हम लोगों ने तीनों में देखा कि क्या हमारा नॉर्मल जो वेइंग मशीन है वो क्या नॉर्मल मेजर कर रहा है। ये चीज़ हम लोग लास्ट वाले वीडियो में देखे थे। तो अगर किसी को डाउट है इस वाले टॉपिक पे, नॉर्मल जो वेइंग मशीन होती है एलिवेटर में वो कितनी नॉर्मल मेजर करती है या कितनी वेट मेजर करती है जब वो ऊपर जाता है किसी एक्सेलरेशन से, जब वो नीचे आता है किसी एक्सेलरेशन से, तो ये सब चीज़ों में जिसको भी डाउट है तो वो आई वाले बटन दबाकर उस वीडियो पे जा सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। तो अगला हमारा एप्लीकेशन आता है टेंशन का एप्लीकेशन वन देखने वाले हैं, बेसिकली पार्ट वन, जिसमें कि मंकी जब ऊपर या नीचे मूव कर रहा है किसी एक्सेलरेशन से या वेलोसिटी से, तो क्या क्या बातें हम लोग करेंगे वो आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जब मंकी किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा रूप पे, दूसरा हम लोग देखेंगे मंकी जब नीचे आ रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से, तीसरी बात हम लोग देखने वाले हैं कि मूव जब मंकी ऊपर या नीचे किसी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। तो सारे केस में हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टेंशन इन द रोप इन द अबव केसेस। एक्चुअली जो भी केसेस हम लोग देख रहे हैं उनके सारे केसेस में हम लोग टेंशन को कैलकुलेट करने वाले हैं कि मोशन के वजह से टेंशन का बढ़ना या घटना किस तरीके से होने वाला है। ओके गाइस, आई होप आपको आज का गोल क्लियर हो गया होगा, इस वीडियो का गोल क्या है। चलो शुरू करते हैं। तो आप देखिए जब मंकी किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, मैं इसको बोल देता हूँ किसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा होगा। ओके, ये किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो क्या हो रहा होगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन से ऊपर जाने से पहले आप देखो एक चीज़ कि अगर ये एक्सेलरेशन जब इसका ज़ीरो होता, मतलब ये मूव नहीं कर रहा होता, तो क्या क्या होता इस पर होता, एक तो नीचे की तरफ एम जी, और हालांकि ये टंगा हुआ है, मतलब रोप से क्या है, टंगा ही हुआ है ना, तो अगर ये मूव नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली रोप में क्या आ रही होगी टेंशन। तो उस टाइम पे टेंशन क्या हो रहा होगा, उस टाइम पे टेंशन एम जी के बराबर हो रहा होगा। कब? जब एक्सेलरेशन जीरो होता है। ओके, जैसे ही एक्सेलरेशन मैंने कुछ नॉन जीरो कर दिया एक्सेलरेशन, तो अब क्या होगा गाइस, अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बोल रहा हूँ, मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से हम लोग मोशन की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखो, ऊपर की तरफ अगर मैं नेट फोर्स लिखूँ वो बराबर एम ए के आने वाला है, तो मैं लिखूँगा टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, ये आएगा। तो यहाँ से देखो टेंशन क्या आ जा रहा है, यहाँ से टेंशन आ जा रहा है एम इंटू जी प्लस ए। यहाँ से क्या आ जा रहा है, एम इंटू जी प्लस ए। याद करो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको वो एलिवेटर वाली प्रॉब्लम बताई थी, तो उसमें ध्यान दो जो नॉर्मल आ रहा था जब एलिवेटर ऊपर मूव कर रहा था तो नॉर्मल भी कुछ ऐसा ही आ रहा था, कुछ बढ़ रहा था नॉर्मल। तो यहाँ पे देखो टेंशन जो है एम जी से थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ पे टेंशन जो है एम जी से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, टेंशन गॉट इंक्रीज्ड। ओके, चलो, मतलब अगर बॉडी कोई भी मंकी अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो टेंशन क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, और कितनी होती है, एम ऑफ जी प्लस ए। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये सिंपली आया लॉज ऑफ मोशन को यूज करके। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आ जाती है बात। लेकिन जब मंकी नीचे की तरफ आ रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से, तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, फिर से मुझे बताओ,
यहाँ पे एम जी हो रहा होगा नीचे और टेंशन लग रही होगी ऊपर, तो मैं फिर से बोलता हूँ नेट फोर्स नीचे की तरफ में, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है नीचे है, तो नेट फोर्स बराबर एम ए कर दूंगा नीचे की डायरेक्शन में, नेट फोर्स क्या हो जाएगी नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगी एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, तो यहाँ से मेरा टेंशन क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एम ऑफ जी माइनस ए। देखो ठीक एलिवेटर वाली जिस तरीके से हम लोगों ने किया था एलिवेटर वाले प्रॉब्लम में, ठीक उसी तरीके से टेंशन भी आ रहा है, मतलब नीचे आने पे टेंशन क्या हो रहा है, टेंशन गॉट डिक्रीज्ड। ओके चलो अभी कंक्लूजन पे आएंगे, मैं आपको थोड़ा फील दिलाऊंगा किस तरीके से होता है ये चीज़। अब देखो मंकी जब ऊपर नीचे जा रहा है किसी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो एक बात बताओ क्या फोर्स पे कुछ असर होता है। अगर मैं बोलूं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, मतलब क्या एक्सेलरेशन, अगर ये ऊपर जाए किसी भी वेलोसिटी से या नीचे आए किसी भी वेलोसिटी से, तो क्या इसके टेंशन में कोई असर होने वाला है, क्या इसके टेंशन में असर होने वाला है, नहीं असर होने वाला है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे जीरो ही तो है, एक्सेलरेशन क्या है जीरो ही है, तो टेंशन क्या है फोर्स है, तो फोर्स नेट फोर्स जब आप देखोगे ऊपर या नीचे तो टेंशन क्या हो रहा होगा उस समय एम जी के बराबर ही तो आ रहा होगा, और ये कब आता था जब मंकी रुका हुआ रहता था, सिंपल टंगा हुआ था, तो जब मंकी टंगा हुआ रहे या तो वो किसी वेलोसिटी से ऊपर नीचे मूव कर रहा हो उस टाइम पे टेंशन क्या होता है सिंपल एम जी के बराबर होता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो गाइज एक बात बताओ मुझे यहाँ पे टेंशन इंक्रीज करने पे क्या कैसे आप फील कर सकते हो ये चीज़ को, तो कभी आप ध्यान देना जब आप रोप को सिंपली खींचोगे मतलब सिंपली उससे टंगे रहोगे, एक रोप को सिंपली आप देख क्या करना हुक में लटका कर उसे बांध देना और उसमें लटकना, ठीक है, तो लटकोगे और तो फिर क्या पहले लटक रहे हो तुम, अब क्या करना दूसरी टाइम में क्या करना, थोड़ा सा ऊपर चढ़ने की कोशिश करना, तो देखना जो वहाँ पे जहाँ पे हिंज पॉइंट है जहाँ से रोप लटक रही है वहाँ पे वो जो रोप है धीरे धीरे स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ रहा होगा उनमें, स्ट्रेन बढ़ने का मतलब ही क्या है टेंशन बढ़ना, वो धीरे धीरे जितनी ज़्यादा रफ्तार तुम बढ़ाओगे जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन बढ़ाओगे अपनी उतनी ज़्यादा वो टूटने की टेंडेंसी में आ जाएगा। ओके, तो कभी भी क्या है कि जितना ज़्यादा आप अपनी एक्सेलरेशन को बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा वो जल्दी वो रोप टूट जाएगा, इसलिए आपको धीरे धीरे ऊपर चलना होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से आप देखो जब आप ऊपर से नीचे आओगे किसी एक्सेलरेशन से तो उसकी टेंशन घट रही होगी, उसकी टेंशन क्या हो रही होगी घट रही होगी। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा टेंशन वाला। तो अगर मान लो आपके पास एक सिनेरियो मिलता है कि खाई में एक बच्चा गिर गया है, मान लो तो आपने एक रोप टांगा, एक रोप आपने ऊपर से दिया, दो तीन बच्चे जो भी हैं, तो जो बच्चे ऊपर आ रहे होंगे, जो अगर सारे बच्चे एक साथ ऊपर आए तो क्या होगा बताओ, रोप जल्दी से टूट जाएगा। अगर मान लो एक एक करके बच्चे ऊपर आए तो धीरे धीरे रोप की टेंडेंसी होगी टूटने की, इसीलिए बोला जाता है एक एक करके देखना, कभी भी कोई मूवी भी देखोगे तो उसमें रोप पे ना एक एक करके बच्चा या कोई भी इंसान ऊपर चढ़ रहा होता है, अगर एक साथ सारे लोग चढ़ेंगे तो क्या होगा टेंशन एक ही बार में अपने लिमिटिंग स्टेज पे आ जाएगा, लिमिटिंग स्टेज मतलब टूटने की टेंडेंसी पे आ जाएगा। ओके गाइस, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एक और उपाय क्या है कि अगर मान लो बहुत सारे बच्चे लटके हुए हैं तो एक को ऊपर जाना और टेंशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अगर टेंशन को कम करना है तो जो बच्चा ऊपर जा रहा है उसको छोड़ के कुछ बच्चे अगर नीचे हैं तो कुछ बच्चे अगर नीचे आ जाए किसी एक्सेलरेशन से तो उसमें टेंशन क्या हो जाएगा कंपनसेट हो जाएगा। ओके, तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टेंशन की एप्लीकेशन से आप किसी की जान भी बचा सकते हो। ओके, अगर आपको आइडिया हो तो आई होप ये तो हो गया थोड़ा फन का पार्ट, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कभी भी मंकी ऊपर जाता है किसी एक्सेलरेशन से तो उसकी टेंशन बढ़ जाती है, वो जो रोप में टेंशन होती है वो बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है एम ऑफ जी प्लस ए, कुछ एम जी से ज़्यादा होती है। ओके, और उसी तरीके से वो नीचे आ रहा होता है तो टेंशन घट जाती है, कितनी घट जाती है सिंपल एम ए के फैक्टर से, क्या एम जी एम ऑफ जी माइनस ए। और अगर वो किसी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है तो उस पर टेंशन क्या होता है सिंपल एम जी के बराबर होता है, उसके वेट के बराबर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग तीन बातें समझे, कंक्लूजन में क्या है, अगर मंकी अपवर्ड जा रहा है किसी एक्सेलरेशन से ऊपर, तो यहाँ पे टेंशन जो टोटल टेंशन इन रोप इज इक्वल्स टू व्हाट बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा एम जी प्लस
एम ए के फैक्टर से बढ़ जाएगा। उसी तरीके से जब डाउनवर्ड जा रहा है वो, जब डाउनवर्ड जा रहा है तो टेंशन घट जाता है। टेंशन क्या घट जाता है? इन रो टेंशन डिक्रीजेस। यहाँ पे क्या हुआ? टेंशन टेंशन यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे टेंशन इंक्रीज हुआ। यहाँ पे टेंशन क्या होगा? टोटल टेंशन इन रो इज एम जी माइनस एम ए। यहाँ पे टेंशन घट गया, यहाँ पे टेंशन क्या हो गया? घट गया, टेंशन डिक्रीज। उसी तरीके से अगर ये अप और डाउन किसी वी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, वी वेलोसिटी ऊपर ऊपर जा रहा है, दोनों ही केस में टेंशन किसके बराबर होता है? सिंपल वेट के बराबर। अब एक स्पेशल केस गाइस याद करो, मैंने नॉर्मल में भी कराया था। एक स्पेशल केस, अगर मान लो यहाँ पे जो मंकी है, यहाँ पे जो मंकी है, ये वाला नहीं, ये वाली मंकी नहीं, ये मंकी को हटाओ, ये वाली मंकी जो नीचे आ रही है, इसकी पूंछ ऐसे लटक रही है, ये नीचे आ रही है, तो ये अगर किसी एक्सेलरेशन से आ रहा है, वो एक्सेलरेशन कितनी है? जी है। तो बताओ टेंशन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा गाइस? मैं क्या लिखूंगा? सिंपल मैं लिख सकता हूँ एम ऑफ जी माइनस ए। तो मैं क्या कर दूंगा? सिंपल जी माइनस जी विच इज कम एज टी। मतलब अगर ग्रेविटेशन से आओगे, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली एक्सेलरेशन से आओगे नीचे, तो टेंशन कितना आएगा? जीरो। उसी तरीके से नॉर्मल वाले में हम लोगों ने देखा था, जब एलिवेटर जी से नीचे आता है तो नॉर्मल कितना हो जाता है? जीरो। ठीक है ना? और एक बात बताओ मुझे, और एक बात बताओ, अगर एक और नोट करने वाली बात है, एक और नोट करने वाली बात है, यहाँ पे जो टेंशन है वो कितना आ रहा है? एम जी माइनस ए। मतलब ये जो जी माइनस ए है, या तो ये जीरो होगा, या तो ज़्यादा होगा, या तो कम होगा। मतलब ये बेसिकली मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो ही हो सकता है ना, है ना? मतलब ये एक्सेलरेशन जो है ये चीज़ क्या, जीरो होगा या तो उससे ज़्यादा होगा बेसिकली। ठीक, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो जी जो है ये ज़्यादा होना चाहिए एक्सेलरेशन से, या तो हम बोल सकते हैं कि ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू जी। ओके, तो कभी भी क्वेश्चन में अगर दे रखे कि नीचे अगर, तो दोनों के इसमें क्या आ जाएगा? इसमें टेंशन जो है जीरो ही आना है, ये ध्यान रखना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर मान लो कोई सिनेरियो में, एक सिनेरियो में तुम्हें दे रखा है ऐसा कि एक बंदर जो है नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, उसकी एक्सेलरेशन जो है मान लो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, तो ये जो एक्सेलरेशन ये ज़्यादा हो गया जी से। तो ज़्यादा जब भी हो गया तो सिंपल कोई दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है, टी हमेशा उसमें क्या आ जाएगा? जीरो ही आएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है? टी जीरो। नेगेटिव तो नहीं होना है ना, टेंशन नेगेटिव तो नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये दो चीज़ें समझ में आ रही होगी, ये दो चीज़ें नोट करने वाली बात है, तो आप इसको ध्यान से नोट कर लेना। ओके, एंड गौर से हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना कि कितनी एक्सेलरेशन दे रखी है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितनी है। जी तक ही वो सफर करता है, जी जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही क्या हो जाएगा? टेंशन जीरो। जी से थोड़ा सा भी ज़्यादा नीचे कर दोगे एक्सेलरेशन तो क्या होगा? टेंशन जीरो ही होना है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब एक एक ही रोप में बहुत सारे बंदर आ जाएं, तो कोई ऊपर मूव कर रहा हो किसी एक्सेलरेशन से, कोई नीचे मूव कर रहा हो, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा हो, कुछ भी आपको दे दिया जाए, तो किसी भी सेगमेंट में, मतलब बीचों बीच अगर टेंशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसके कुछ ट्रिक्स हम लोग देखेंगे, इसके कुछ शॉर्ट मेथड्स देखेंगे, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन को कितनी आसानी तरीके से बना सकते हैं। मेन एजेंडा ये रहेगा हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और अगर प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर।